खाना दे दूँ? अच्छा चलो का? ड्राइंग रूम में तो खाते हो आप, तो वहीं पे जाना पड़ेगा ना। और एक बात सुनो, जरा इधर आओ, सुनो तो। आ रही हूँ, मुंह में उंगली डालता है ना। आ रही हूँ अभी, पकड़ो इसको, बस फिंगर ही खा लो आप, फिंगर ही खा लो, खाना खाने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ डिफरेंट सा, अलग सा, मज़ेदार नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज आलू की पकौड़ी। तो आप सोच रहे होंगे कि आलू की पकौड़ी तो सभी के घर में बनती है और जल्दी जल्दी बनती रहती हैं। जी हाँ, सभी के घर में बनती है और जल्दी जल्दी बनती रहती है। तो लेकिन मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ, ये जो गोल आलू काटते हैं, तो गोल वाले आलू की पकौड़ी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्योंकि एक बार मैंने एक रेसिपी पहले भी मैंने ट्राई की थी तो मुझसे गड़बड़ हो गई थी, तो बिल्कुल सब बेकार हो गया था और मुझे सब कुछ फेंकना ही पड़ा था। तो इसलिए जब मैं कुछ पहली बार ट्राई करती हूँ तो मुझे घबराहट होती है। तो अगर इस बार भी ये अच्छी नहीं बनी तो सब ये बोलेंगे कि आता जाता कुछ है नहीं और बेसन घोल के रख देती है। तो बस चलिए पहले बेसन ही घोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में 2 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच सूजी का ले लिया है। और बस फिर इसमें मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं। तो मसालों में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, 2 कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल ली है और पिसा हुआ धनिया और ये जो कसूरी मेथी होती है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर मैंने इसमें एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार कर लिया है। बैटर हमारा ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो ये जो हमारे आलू हैं, इनको तो मैंने पहले ही काट कर धुल कर एक साफ कपड़े में सुखा कर रख लिया था। और फिर ये जो हमारा बैटर था उसको भी मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। तब तक हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हमारा गर्म हो गया था। फिर मैंने जो आलू का एक एक पीस है उसको उठा करके और उसमें बैटर में डिप कर करके तेल में डाल दिया था। तो धीरे धीरे से डाल रही हूँ मैं, बहुत मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं छीट ना लग जाए। और बस मन में तो एक अजीब सी घबराहट है कि पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं, कि अंदर से आलू कच्चे ना निकल जाएं। तो बस देखते हैं। तो बस पहले तो मैं इनको हल्का हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ, और मैं नहीं ब्राउन कर रही हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि मैं ही ब्राउन कर रही हूँ, मैं ही तल रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों की बुआ आई हुई है तो मैं बस डिप करके उसमें डाल रही हूँ और भी फ्राई कर रही हैं। तो बस हल्का हल्का सा ही ब्राउन करके उनको निकाल रहे हैं। तो जब भी हमारे सारे आलू फ्राई हो जाएंगे तो इनके बाद हम दोबारा से इनको डाल के अच्छे से फ्राई करके फिर निकाल लेंगे। तो बस इस तरीके से हम बनाते जा रहे हैं और हमारे सारे आलू फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी देखिए, हमारे सारे आलू बेसन में डिप कर करके हमने इसमें फ्राई कर लिए हैं। और बस डर तो मुझे लग रहा था कि कैसे बनेंगे, लेकिन जब ये बन गए तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से, क्योंकि इतनी तो हार्ड नहीं है। लेकिन जब मैं पहली बार ट्राई कर रही थी, अब सच मानिए मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी। तो बस खैर, भगवान की कृपा से ये बन गए हैं। तो ये देखिए, जो हमने हल्की हल्की ब्राउन करके रख दी थी पकौड़ियाँ, वो फिर से इसमें दोबारा से डाल ली हैं और बहुत अच्छे से ब्राउन करके उनको निकाल लिया है। तो बस देखिए कितनी क्रिस्पी और गोल गोल और फूली फूली सी बनकर तैयार हो गई हैं, जैसे कि छोटी छोटी कचौरी होती है। तो कुछ इस तरीके की बनकर तैयार हो गई हैं। और देखिए, मैं आपको इनको अंदर से तोड़ के दिखा देती हूँ। तो अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी मैंने ट्राई की थी ये पास हो गई है, बहुत अच्छी बन गई है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
लो जो उनसी पे लगता हो उस पर मारो। हाँ आदि ने दो दो बोल दिया आपको। बाबा जी के बड़ी वो बड़ी मम्मा तो है नहीं। बाबा जी के पैर छू लो चलो। बस बस विराट कोहली बस चलो पैर छू क्या बाबा जी के चलो। पैर छू लिया क्या? चलो बब्बू उसके भैया के और बुआ के भी बेटा भैया और बुआ रह गई। आज बड़ी मम्मा दिखाई दे रही परेशान है बेचारा है। कहाँ गई बड़ी मम्मा? चलो छू लो बुआ के भी पैर। बुआ के भी इतना बड़ा आदि कितना बड़ा छुलो आशीर्वाद दो हमें। निशाना सटीक है बिल्कुल। क्या काम कर रहे हो आप लैपटॉप पे? क्या हो कर रहे हो? बंद कर रहे हो खोल रहे हो? बंद कर रहे हो खोल रहे हो? हम्म, लड्डू आपको तो सब पता, सब पता है आपको, फिर भी पूछते हो। हम्म, देखो लग नहीं गया। हेलो पैंट लेटियो पेन। मैं तो बहुत टम पेन पेन आप कहते हो? बोले नहीं, बोलते नहीं। बोलेंगे, बोलो हमारे घर आ जाओ फ्रेंड्स। हमारे घर ही आ जाओ, बोलो हमारे घर आ जाओ, ऐसे देख के बोलो, इधर देख के हमारे घर आ जाओ। हम्म, बोलो हम आपको चिप्स फ्राई करके खिलाएंगे। चिप्स कट गरम करके खिलाएंगे, हम भी फ्राई कर देंगे, है ना दी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाय 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 बाय। बोलो कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। नमस्कार नमस्कार छुआ मिलते हैं। हनुमान जी